भारतीय इतिहास की प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जो आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, जिसका नाम है प्राचीन इतिहास का एक सीरीज मौर्य साम्राज्य। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपके भर्ती परीक्षा में प्रायः एक से दो प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे सामान्य दिन की सीरीज में भारतीय इतिहास के अपने अलग महत्व है, लेकिन उसमें भी अगर हम एशियन हिस्ट्री की बात करें, द मौर्याज एम्पायर की बात करें, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रायः आपकी परीक्षा का एक अध्याय, एक लेसन बना रहता है। लेकिन इस सीरीज को जब भी पढ़िएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास कॉपी कलम जरूर होनी चाहिए। अगर आप बिना कॉपी कलम के यह सीरीज पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए अभी आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना आपने सोचा नहीं था, उससे भी कहीं ज़्यादा। चलते हैं एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं और आप इसे एक नोट्स बनाते चलिएगा। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? यह महाजनपद, अगर आपने नाम पढ़ा होगा शायद आपको पता होगा कि महाजनपद क्या है, या महाजनपद के समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये मगध साम्राज्य। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा यह होगा राजगिरी। क्या होगा? राजगिरी। अब राजगिरी के बारे में जानते हैं कि सर ये राजगिरी क्या हो। तो देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ये बिंबिसार क्या थे? ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, किस वंश से थे? ये हर्यक वंश से थे और इनकी समय मगध थी। क्या थी? ये मगध, और मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरिव्रज के नाम से जानते हैं। जी हां, इसे गिरि वज्र के नाम से भी वज्र के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ये गिरि वज्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए जैन धर्म के विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगीर नगर पांच पहाड़ियों में बसा है। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी के बीच बसा हुआ है। महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे जो देखने में कि मगध साम्राज्य, ठीक, उसके बाद नालंदा, तक्षशिला, ये सारे हैं। इनके बारे में आपको बताता चल रहा हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए, कुछ चीज़ें आप और भी जान जाएं। ठीक, चलते हैं तब अगले प्रश्न की तरफ। लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अगला है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालिक था? तो जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद बताइएगा कि कौन सा शासक बुद्ध का समकालिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि यहां पे कौन उनका समकालीन था। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, शेयर कर दीजिए आप लोग, अजात शत्रु, बिंबसार और महापद्म, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सही बताया, बिंबसार। मैंने इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो सी है, बिंबसार। बिंबसार मगध में हरेक वंश का पहला शासक था, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर दूसरी बात, ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। ये क्या था? जो महात्मा बुद्ध थे उनका यह समकालीन था। और इसकी बात अगर आप जानेंगे तो मैं और आप चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इनकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी कौशलराज की पुत्री, और दूसरी पत्नी लिच्छवी, जिससे अजातशत्रु का जन्म होता है। बिंबिसार ने अंग देश पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो यहां पर हमने देखा, जैसे अजातशत्रु के बारे में थोड़ी बातें आपको बताना चाहूंगा। सभी लोग जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आप इसकी नोट्स बना लेंगे, यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपकी बन के तैयार होगी परीक्षा वाले प्रश्नों के साथ। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया। माने अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है, उसके बाद उसे प्रतिहंता कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है अजातशत्रु को प्रतिहंता के नाम से जानते हैं, इसने काशी और वज्र संघ को मगध में मिलाया।
तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बता दिया, शायद यहाँ से आपके प्रश्न आ जाता। महापद्म नंद के बारे में एक बात बता दूं, ये नंद वंश का संस्थापक था। ये क्या था? नंद वंश का संस्थापक था और पुराणों में से सर्वक्षत्रांक मन क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्म नंद एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। पंचमार्ग का सिक्का कहाँ चलता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग जो भी साथी से फेसबुक पर देख रहे हैं, जो भी साथी से यूट्यूब पर देख रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज है। हो सकता है कुछ लोग इस सीरीज को हल्के में भी ले रहे हो, लेकिन ये सीरीज आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है। पंचमार्ग का सिक्का ये मौर्य काल में कहाँ चला? मौर्य काल में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सबसे ज्यादा स्तर पर देखा जाए तो यह मौर्य काल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपकी बार एक सीट हमार। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, बताइए सभी लोग। अरे भैया आप लोग इतना सरल प्रश्न है, नहीं बताएंगे? देखिए जो पंचमार्ग का सिक्का होता है उसे न्यूमेरिसमेटिक्स के नाम से जानते हैं। अगर अभिलेखों का अध्ययन कहा जाए तो उसे एपिग्राफी कहते हैं, अभिलेख का अध्ययन, अभिलेख का अध्ययन। ठीक है, यह है अभिलेखों का अध्ययन। ठीक, इसके अलावा आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी के बारे में जान लीजिए, यह पुरातत्व का अध्ययन करता है। हिस्टोरियोग्राफी ये इतिहास का सारांश है, ये इतिहास का सारांश है, ये इतिहास का सारांश है। आर्कियोलॉजी क्या है? पुरातत्व का अध्ययन करता है। किसका? ये पुरातत्व का अध्ययन करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब देंगे। जो लोग इसी वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे होंगे, कमेंट जरूर करिए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। देखिए शिशुनाग पहले जान लीजिएगा, शिशुनाग जो वंश था इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना इसने किया था। ये अवंती राज्य के मगध में मिलाकर अपनी दूसरी राजधानी वैशाली बनाया था। शिशुनाग के बाद कालाशोक या कार्कण ने शासन किया। ये पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बनाते हैं। कालाशोक के शासनकाल के 10वें साल द्वितीय बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया गया था, तो मुझे लगता है कि अभी आपको पता होगा। ठीक, नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यह होगा वैशाली, वैशाली था। लेकिन शिशुनाग ने अवंती राज को मगध मिलाकर अपनी राजधानी वैशाली बनाई, लेकिन कालाशोक ने इसे पाटलिपुत्र बनाया। कालाशोक ने आगे चलकर कालाशोक ने क्या बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, यह बात आप सभी लोग जान लीजिएगा, चाहे इसे जहां भी देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। देखिए हमेशा आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे कतई प्रश्न नहीं मिलेंगे जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी?
अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, इस पर हमने बात किया। अरे गलत लिंक शेयर कर दिया, हमने भेजा तुम्हारा इतिहास क्लास में संविधान शेयर किए। अगला है अवंती, एकदम सही जवाब है आप सभी का। अगर अवंती के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता हो तो मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ये उत्तरी अवंती, उज्जैन या उज्जैनी या दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी रही है। अगर ध्यान दीजिएगा कौशाम्बी, अगर प्रश्न आ जाए कि कौशाम्बी किसकी थी, तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। इलाहाबाद या बांदा, कोसल, कोसल की बात हम करें तो कोसल महाजनपद था, ये महाजनपद था। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या अयोध्या था। ध्यान से लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा श्रावस्ती या अयोध्या। राजगीर, एक प्रश्न आता है कि राजगीर किसकी राजधानी थी? ये मगध की थी, मगध की राजधानी थी। राजगीर को गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, इसे गिरी वज्र के नाम से भी जानते हैं। हमने चारों प्रश्नों का व्याख्या कर दिया। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। क्लियर हो गया सबका या कोई डाउट है अभी भी? हो गया ना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पटना शहर का पुराना नाम क्या था? आराम से बताइएगा, बताइए। देखिए हम ऊपर वाले प्रश्न को, अच्छा यहाँ बता लो, फिर ऊपर वाले प्रश्न को थोड़ा सा और बता देता हूँ। पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था। एकदम इंपॉर्टेंट है, सबको आ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको इस प्रश्न का उत्तर ना पता हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि सर मुझे इसका उत्तर नहीं पता है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। देखिए ऊपर वाला मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने ध्यान नहीं दिया बताने चक्कर में, जो ये अवंती था ना, ये अवंती का जो साम्राज्य था ये महाजनपद था, और ये आधुनिक समय में ये मालवा है, मालवा का रेंज है। ये दो भागों में बटा था, ध्यान दिखेगा, एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती, ये दो भागों में डिवाइड था। अगर राजधानी की बात करें तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो क्या था? वो उज्जैन था। लेकिन दक्षिणी अगर हम बात करें तो महिष्मती था। हो सकता है परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो गलती मत करिएगा, महिष्मती और उज्जैन दोनों बातें मैंने आपका यहाँ पे क्लियर करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको सारा तथ्य समझ में आ चुका होगा। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा क्या, क्यों और कैसे कितना पढ़ना है, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इसमें किसके काल में हुआ था? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। जल्दी कमेंट करिए सभी साथी, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए अगर आप नहीं बताते हैं तो भाई मेरा फर्ज है कि मैं आपको ऐसी सीरीज, आपको अगर YouTube पर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बात की गारंटी है ऐसी सीरीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। यहां पर एक प्रश्न का उत्तर होगा कि 326 ईसा पूर्व भारत में जो सिकंदर ने आक्रमण किया उसमें किसका शासन था? तो यह था नंदवंश का। और नंदवंश, जी हाँ नंदवंश, जिसका संस्थापक महापद्मनंद था। अगर नंदवंश देखा जाए तो 344 ईसा पूर्व से, 344 ईसा पूर्व से लेकर यह 322 ईसा पूर्व तक रहा। यह बात आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए था। यूनान के शासक सिकंदर उत्तर भारत में आक्रमण किया, उस समय नंदवंश का था। लेकिन शासन किसका था यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस समय शासन किसका था बताइए? उस समय शासन किसका था? उस समय घनानंद का शासन था। जी हाँ, किसका शासन था, शासक कौन था उस समय? मोस्ट इंपॉर्टेंट, घनानंद था। एकदम इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा वाला प्रश्न है
जो परीक्षा में पूछता है। जी हाँ, कौन था? घनानंद था। क्लियर हुआ या अभी भी कोई डाउट है? चलिए, अगर आपको डाउट है फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सिकंदर का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण है और हमें उसके रोल को नहीं भूलना है। ठीक है, उसके रोल को हमें आपको नहीं भूलना है। देखिए, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था, इसे बेबीलोनिया कहते हैं। कब हुआ था? लगभग 323 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 300, ठीक, बताइए। ठीक, सिकंदर की मेसिडोन में फिलिपिन द्वितीय का यह पुत्र था, फिलिपिन द्वितीय का पुत्र था, और 326 में उसने भारत में विजय अभियान चलाया था। भारत में विजय अभियान कब था? 326 में। बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी सिकंदर महान को भारत पर आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? बताइए जल्दी से कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट कर बताइए सभी लोग, कौन से सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? इसका प्रश्न का अगर उत्तर हम लोग जाने तो कौन सी नदी थी? तो ब्यास नदी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना जो थी आगे बढ़ने से इंकार कर दी, यही समय वापस लौट गया। ब्यास नदी सिकंदर महान पर भारत पर आक्रमण करने की सबसे निकटतम सीमा थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? बताइए। आर्किमिडीज, यूक्लिड, हिप्पोक्रेट्स, हेरोडोटस। यूक्लिड क्या है, किसके जनक है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, हिप्पोक्रेट्स, लेकिन यहां इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हेरोडोटस होगा। ये 5वीं शताब्दी से पूर्व में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस बात को भली भांति आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना है ना तो ये बहुत ही जरूरी है। यूनानियों ने भारत से बाहर, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो पूरी तरह से HD फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चलेगी। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है क्या, जवाब जरूर दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जी हाँ, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मुद्र रक्षक के अनुसार ये घनानंद की एक पत्नी मूरा का पुत्र था और ये चाणक्य की सहायता से इस वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आता है, फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसकी पुत्र वंशावली कैसे चलती है। आप इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, अपने अंतिम दिन वो कहाँ पर गुजारा, जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति है, ये चंद्रगुप्त मौर्य सेल्कुलस निकेटर और चंद्रगुप्त के मौर्य 305 में युद्ध के बाद एक संधि होती है। सेल्कुलस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है। दहेज में अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेरिपिसदाई क्षेत्र को हटा दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन लेखकों के अनुसार, किसके अनुसार, जैन लेखकों के अनुसार, जैन लेखकों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह अपना अंतिम दिन कहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम चरण अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ, इसके साथ भद्र बाहु के साथ, इंपॉर्टेंट है, श्रवण बेलगोला कहां पे था, मैसूर, श्रवण बेलगोला मैसूर चला गया। यहीं पर इसने कालेस द्वारा शरीर त्याग किया। इस धर्म में संलेखना कहा गया है, हम लोगों ने जैन धर्म की सीरीज में इसको पढ़ा दिया था, उसे संलेखना कहा गया। मैसूर किस राज्य में है कमेंट करके बताइएगा, क्लियर है हुआ। अब ये प्रश्न उठता है, अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कुछ दिन पहले बहाल किया, इसको हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक, चलते आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? देखिए यहां पे मैं एक सीरीज बना दे रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, अगर इसका शासन देखा जाए तो यह कब से कब था, 323 बीसी मानी बिफोर का ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। अगर इसके पुत्र की बात की जाए तो कौन था, बिंदुसार था, बिंदुसार था। ठीक, अब बिंदुसार, अब इसके पुत्र का नाम क्या था, एक था सुसीम, बिंदुसार का पुत्र क्या था, सुसीम, लेकिन दूसरा क्या था, अशोक, अशोक का भी पुत्र कौन था, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शशिकल, देववर्मन, सद्भावना, बृहदत्त। तो अंतिम मौर्य शासन जिसकी हत्या उसके आमत्य पुष्यमित्र ने की थी, बृहदत्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीरीज बनता चला जाएगा आपको। ठीक, तो आपका जो प्रश्न था शायद मुझे लगता है इसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। कौन था ये, बिंदुसार था। एक बिंबसार होता है, एक बिंदुसार था, तो याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, इसे हम बिंदुसार कहते हैं। यह 298 से लेकर 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक शासन करता। याद रखिएगा कि इसे अमित्रघात कहा, इसने शत्रुओं को नाश करने वाला कहा गया। जैन ग्रंथ धर्मों में इसे सिंहशेष कहा गया और इसके बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का संस्थापक था, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो ये ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार के बारे में कहा था कि उसके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होने से बिंदुसार उसके तीन वस्तुएं मांगी थी, अंगूर का मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। और 273 में जाकर ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला है
अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य का सबसे सही निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा, क्लास बड़ी जरूर होगी, बताइए जल्दी कमेंट करके। बताइए देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बताया यार, वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, पैसे नहीं करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। यहां पे प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था, मैंने इस प्रश्न का सही विकल्प जो है ए राइट आंसर है। ठीक है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। बताइए जल्दी से कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मिश्री के सिलोन भेजना, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया, कलिंग युद्ध की घटना, सॉरी कलिंग युद्ध की घटना, कलिंग युद्ध की घटना। देखिए कलिंग युद्ध क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये कलिंग का विजय हुआ था 261, इसको भी बता रहे हैं अभी हम, दोनों टॉपिक बता रहे हैं, किस घटना से है? तो ये 261 में कलिंग युद्ध हुआ। बिंदुसार का जो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, फिर इसका पुत्र होता है अशोक, तो राज्याभिषेक के 9वें वर्ष पर अशोक क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। लेकिन विजय का जिक्र कहां मिलता है? 9वें वर्ष में, शिलालेख में। किसमें मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, याद रखिएगा, शिलालेख। कौन शिलालेख? 13वें शिलालेख में युद्ध के बारे पता चलता है। कलिंग नंदवंश के पतन के बाद स्वतंत्र हो गया था। कलिंग पर जो आक्रमण करने का इसका उद्देश्य था अशोक का, यहीं से अशोक महान होते हैं, वो ये था कि जो साम्राज्य है उसे व्यापार बाधाओं को रोकना था। मौर्य साम्राज्य सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग जितना आवश्यक था, कलिंग युद्ध स्वतंत्र रहता तो समुद्र और स्थल मार्ग दोनों वाले व्यापार बाधा पहुंचाता था। इतना ज्यादा नरसंहार होता है कि इस युद्ध के बाद इसका हृदय द्रवित हो जाता है, और हृदय द्रवित होने के बाद फिर यहां पे जब वो पैर रखता है तो कीचड़ जैसे मांस के लथेड़े होते हैं, पूरा दलदल हो जाता है, खून से दलदल हो जाता है। डॉक्टर हेमराज राय चौधरी कहते हैं मगध का शासक बनने के बाद अशोक का यह प्रथम एवं अंतिम युद्ध था, यह उसका अंतिम युद्ध हो गया। इसके बाद उसने युद्ध करना त्याग दिया और यहीं से अशोक धर्म का परिवर्तन किया। पहले ब्राह्मण का अनुयायी था, देवी देवताओं की पूजा करता था, फिर बौद्ध धर्म को अपनाया। किसे? मोगनी पुत्र तिस से प्रभावित होकर अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, तो प्रशासनिक नीति जो परिवर्तन होती है यहीं से होती है। आगे चल के शिलालेखों के बारे में हम लोग बात करते हैं यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शनी था? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि देवा नाम प्रियदर्शनी कौन था। ठीक, मौर्य राजा अशोक, ठीक, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना तो है ही नहीं है, शायद आप लोग को ये पता ही होगा कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे
देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय दर्शनी तथा राजा आदि की उपाधि संबोधित किया गया है। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, निठोर, उदय लेख, इन लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो यह बात आप लोग को पता होना चाहिए, जानना चाहिए अशोक उसे कहाँ कहा गया है। देवानाम प्रिय दर्शनी, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? अशोक, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, अशोक वर्धन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्तांत, विदेश नीति, आंतरिक नीति, सभी विकल्प। जल्दी से कमेंट कर बताइए। देखिए, यहां पर अगर इस प्रश्नों की हम बात करें तो शायद आप लोग को कई चीजें मैं यहां पर बताऊं। जीवन वृत्तांत, जीवन वृत्त, उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके अभिलेख तीन भागों में विभाजित थे। अभिलेख उसके तीन भागों में थे, कौन कौन? पहला शिलालेख था, दूसरा स्तंभ लेख था और तीसरा गुहा लेख था। आप लोग नोट्स बना लीजिए, गुहा लेख था। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। इसमें अशोक के विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन वृत्तांत की जानकारी मिलती है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मान शहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। 2 लिपि खरोष्ठी है, केवल 2 लिपि ऐसी है जो खरोष्ठी है। ज्यादातर उसके अभिलेख जो है अशोक के वो किस भाषा में है? प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में। ठीक, याद रखिएगा ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी विकल्प अर्थात डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं। इसके अभिलेख को सबसे पहले जस्ट रिस्पेंड 1837 में पढ़ते हैं। जब भी आगे चलकर हम लोग इसे अच्छे से दोबारा बताएंगे आपको, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? देखिए, रॉक एडिक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम किस नाम से जानते हैं? शिलालेख। इस शिलालेख है, अगर शिलालेख 2 की बात करें, इसमें क्या कहा गया है? मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा का व्यवस्था की बात किया गया है। प्रत्यंत राज्य, चेर, चोल, पांडे, सती, पुत्र, ताम्रणी का उल्लेख मिलता है। रॉक एडिक्ट 4 माने चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष को घोषणा की गई है। रॉक एडिक्ट 6 शिलालेख में क्या कहा गया है? आत्मनिरंतर की शिक्षा दी गई है। 13 माने शिलालेख 13 है। यहां पर कलिंग युद्ध का जिक्र मिलता है। यहां पर क्या होता है? ठीक, ये सब क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई, इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। कुल 14 शिलालेख थे। ठीक, लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए आराम आराम से। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध से हताहतों का उल्लेख किया है, युद्ध की त्याग की घोषणा की है? वह है शिला राजादेश, शिलालेख 13। अब ये 11 में क्या है?
धम्म की व्याख्या की गई है। दस में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा या उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न का टाइटल बदल रहा है। अब प्रश्न को शिलालेख न देकर नए नए शब्द से पूछता है। हम ये चाहेंगे ऐसे प्रश्नों से आप परिचित हों और परीक्षा में जाएं तो बेहतर स्कोर करें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, बताइए? मेगस्थनीस था। कौन था? मेगस्थनीस था। मेगस्थनीस यूनानी सेल्क्रस निकोटर का राजदूत था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका है। इस चंद्रगुप्त के मौर्य के समय समाज प्रशासन आदि के विषय में इसे जानकारी मिलती है, ठीक। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साधु से? देखिए इसमें दो चीजें आती हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अनुश्रुतियों के अनुसार, किसके अनुसार? अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी, याद रखिएगा। अच्छा, किससे प्रभावित हुआ वो भी नाम लिख लीजिएगा यहां पे। मोगलीपुत्र, से बौद्ध धर्म अपनाया, ये भी सही है और ये भी, लेकिन इसके लिए उपगुप्त क्या है? अनुसूतियों के अनुसार उपगुप्त है, ये याद रखिएगा, ठीक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सभी लोग बताइए। भारत इतिहास में अशोक का साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा बता था, उसके आगे अंग्रेज का क्षेत्र भी कम था। नेपाल में अशोक को ने देवपत्तन नामक नगर बसाया था। अशोक के राज में कलिंग से पूर्व खस नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भी क्या थे? शामिल थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। चल अगला है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या के केंद्र से संबंधित था, मैंने किस विद्यालय से संबंधित था? मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे से आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जी। इसकी नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगी, ई लर्निंग में दुर्गेश पर चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, तक्षशिला। तक्षशिला इसकी स्थापना किसने की थी? नालंदा की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? कमेंट कर बताइएगा, हमने पढ़ाया है। अगर आप लगातार ही लेने पर दुर्गेश पर हमारी क्लास पढ़ रहे होंगे, आपको ये पूरी तरह से पता होगा, यह ज्ञात होगा ये कहां पर है, ठीक। अगर नहीं पढ़ रहे होंगे भैया, कोई बात ही नहीं है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित से कौन था? तक्षशिला।
ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में। वर्तमान समय पाकिस्तान में इस्लामाबाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था, चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था, चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से सैन्य शिक्षा ग्रहण किया था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे किसके समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सामान्य ध्यान के लिए कि नौकरी करनी है सरकारी तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही राजा बनाया था। नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित करा के 322 ईसा पूर्व एक नए साम्राज्य की स्थापना हो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसका वर्णन अर्थशास्त्र मिलता है जो कौटिल्य ने लिखा था, और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक, अगला, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? अभी ऊपर मैंने इस बारे में व्याख्या किया, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इसका जवाब आसानी से दे लेंगे। देखिए ऊपर मैंने बताया था सबसे ज्यादा ब्राह्मी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन दो अभिलेख हैं जो खरोष्ठी में, शाबाजगढ़ी और मान सेहरा, किसमें है? एक खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। तरशिला लघमान अभिलेख आर्मेक लिपि में, सरेकुना अभिलेख आर्मेक ग्रीक लिपि में है। इसके अलावा सभी अभिलेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, ये सब ब्राह्मी लिपि में। ठीक, क्या कोई दिक्कत किसी को है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? जल्दी बताइए कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बहुत ही आसान प्रश्न है, परीक्षा वाले हैं और मुझे लगता है सभी को पता होगा। देखिए जेम्स प्रिस्पियन 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा, लेकिन सबसे पहले खोजा किसके द्वारा गया था बताइए? टिफिन टेलर, खोजा किसने था? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, टिफिन टेलर मॉडल 1750 में सबसे पहले इन्होंने खोजा था। अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जेम्स क्रिस्पियन। क्लियर? हाँ, ये एकदम। अशोक पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने पत्थर शिलालेख को अपने संदेश खुदवाया। अभी तक 40 से अधिक शिलालेख अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। पहला 1837 में जेम्स क्रिस्पियन ने कौन सा पढ़ा? दिल्ली का तोपड़ा। ये कौन सा पढ़ा था? दिल्ली का टोपरा अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कौन सा अभिलेख उन्होंने पढ़ा था, तो याद रखिएगा
टोपरा विलग उन्होंने पढ़ा था, जबकि स्टीफन थेलर ने 1750 में पहली बार खोजा था। इनके शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख तीन भागों में डिवाइड हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसकी नोट्स लिखते चलिएगा वरना आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में चलाई जाती है। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग में दुर्गेश है। अब किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो यह है अशोक। अशोक ने पहला भारतीय शासक जिन्हें पत्थर और शिलाओं खुदवाए। इसके शिलालेख तीन प्रकार के थे। पहला था शिलालेख, ठीक है, दूसरा स्तंभ, तीसरा गुहा लेख। अगर ये बृहद एवं लघु दोनों होते थे, ये दीर्घ स्तंभ लेख होते थे, लघु स्तंभ लेख होते थे, ये गुफाओं में लिखवाए जाते थे, ठीक है। और अशोक ने स्तूपों का भी निर्माण कराया था, लगभग 84,000 स्तूप निर्माण कराया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महेंद्र और सुमित्रा को श्रीलंका भेजा, सोन उत्तरा को समण भूमि भेजा, महेंद्र सुमित्रा पुस्ता श्रीलंका उन्होंने भेजा था, हिमालय पे मज्झिम को भेजा था, महारक्षित को यमन देश भेजा था, महादेव को महिषी मंडल मैसूर भेजा था। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते रहेगा। शिलालेख 14 मिले थे, अभी तक 14 मिले हैं। हम आगे चलते हैं, ठीक, जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा तत्व धम्म वर्णित नहीं है? धम्म वर्णित नहीं है। माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था। देखिए धम्म जो वर्णित है वो माता पिता का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, दान पुण्य करना, अल्प व्यय करना, अल्प संचय करना, भातृभाव है, पक्षियों प्राणियों की हत्या न करना, उनको क्षति न पहुंचाना, और संघ के प्रति आस्था का कोई वर्णन नहीं मिलता। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा। और ग्यारहवें में धम्म की व्याख्या की गई है। शिलालेख 11 में धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आराम से आप लोग पढ़िएगा, सिलेक्शन वाली क्लास है, एकदम नोट्स बना लेंगे, प्राचीन इतिहास एक बेहतरीन नोट्स बनेगा। क्लास की टाइमिंग बताइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। अगला है, मौर्य वंश के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक? ये जिला प्रशासक होता था। ये कौन होता था? ये जिला प्रशासक होता था। मेगस्थनीज के नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहते थे, जिले का अधिकारी होता था उसे ग्रोनोमाई कहा जाता था। तो ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं, मौर्य वंश के बारे में और चीजें हम लोग अध्ययन करते हैं, जानते प्रयास करते हैं, उनका प्रांत, राजधानी, क्या क्या चीजें थी, उन पर भी करके हम लोग बात करेंगे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए आप सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं।
कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम एक प्रश्न आपका ये बन गया, बृहदत्त था। जी हां रट लीजिएगा, बृहदत्त था। इसकी हत्या किसने की, इसकी हत्या कौन करता है, शुंग वंश। कौन लिख लीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कब 184 ईसा पूर्व इसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना करता है, जो आगे चलकर आपके परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। पुष्यमित्र शुंग शासन कब से कब करता है, 184 में इसकी हत्या करता है, कहीं 184 कहीं 185 मिल जाता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। और ये ब्राह्मणवादी था, इसने दो अश्वमेध यज्ञ कराए, इसकी पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होता है। इसने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। ये पंतजलि पुष्यमित्र के पुरोहित और दरबारी विद्वान थे। मनुस्मृति की रचना इसके शासन काल में हुई थी। संस्कृत भाषा का प्रोत्थान भी इसके काल की ही देन है। शुंग वंश के अन्य शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, इसका अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, देवभूति था, ठीक है, समझ में आप लोग को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का बृहदत्त था, जिसकी हत्या 184-185 BC ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई बात हो तो बिना के कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न था, इसके साथ क्लास खत्म होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल या मौर्योत्तर भारत, लेटर मौर्या पीरियड। जी हाँ ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर घर बैठे नोट्स और क्लास प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में होती है। सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पे जुड़े तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर्च सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए, और अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप सभी के लिए एक बेहतर नोट्स बन चुकी होगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, जो भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी आपके लिए बन जाएगी। बाय बाय, नोट्स तैयार कर लिए आप लोगों ने ना, भेज दीजिएगा हमें भी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।